जय माँ आज हम लोग योग समन्वय की जो सेकेंड बुक है योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स उसका अंतिम अध्याय पढ़ेंगे उसको चैप्टर थर्टीन कहा गया है ये नए वॉल्यूम्स में पर वास्तव में डिवाइन वर्क के साथ शेयरविंद ने उसको कंप्लीट कर दिया था तो चैप्टर थर्टीन क्या है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो एक अपेंडिक्स है अपेंडिक्स मतलब वो एक नोट है अलग से जो शेरविंद ने लिखा था सुपर माइंड एंड द योगा ऑफ वर्क्स। लेकिन शेरविंद जब 1950 के पहले जब ये पब्लिश हुई है तो ये चैप्टर उसमें एडेड नहीं था बाद में ये चैप्टर ऐड करके यहाँ लगाया गया है मुझे नहीं मालूम क्यों लगाया गया है क्योंकि ये इनकम्प्लीट चैप्टर है टू स्टार्ट विद पर जिस भी कारण से लगाया गया है इट डजेंट मैटर ऑफकोर्स एक सेंस में इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो सिंथिस ऑफ योग में योग समन्वय में अन्यत्र शेरविंद ने एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी है मैंशनड है, है लेकिन दे आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत छोटा सा चैप्टर है और अच्छा है शेरविंद की वाणी है उसको हम जैसे भी पढ़ें जब भी पढ़ें जहां भी पढ़ें तो क्योंकि वो योग समन्वय का अब अब जो नया एडिशन है उसका हिस्सा है तो वी विल जस्ट गो थ्रू इट सुपर माइंड एंड द योगा वर्क्स बैकग्राउंड ये है कि अब शेयरविंद ने अपने योग को इंटीग्रल योग का है पूर्ण योग आम तौर पर मनुष्य के जीवन में उसकी पर्सनालिटी में हमारी इनर बीइंग के तीन मुख्य धाराएं हैं उसमें कोई एक एक्टिव होता है प्रधान होता है यानी कुछ लोग मन प्रधान होते हैं विचारवान होते हैं वो विचारों के जगत से विचारों में उनको संतुष्टि मिलती है विचारों के माध्यम से वो अप्रोच करना चाहते हैं भगवान को पकड़ना चाहते हैं लेकिन अगर हम उसके माध्यम से जाएं तो वास्तव में भगवान कब मिलते हैं जब सारे विचार शांत हो जाते हैं एक वो है उसकी लेकिन वो उस प्रोसेस से समझने की प्रोसेस है वो एक योग है अपने आप में जो इस समय हम लोग टच नहीं करेंगे कुछ लोग जो भाव प्रधान हैं वो भाव से पकड़ना चाहते हैं प्रेम करके लेकिन वहाँ भी यही अप्लाई करता है जब तक प्रेम आपको विवल कर रहे हैं उत्तेजित कर रहे हैं विरह मिलन के दोनों के भवर में आपको उलझाए हुए हैं तब तक भगवान नहीं मिलते हैं प्रेम के मार्ग से भी जब प्रेम शांत हो जाता है जब पूरी तरह वो भगवान में समाय फुलफिल्ड हो जाता है भगवान के आनंद में उनके प्रेम का स्पर्श पाकर हृदय के सारे भाव शांत हो जाते हैं लेकिन भरे होते हैं आनंद से क्योंकि अब उसको वो मिल गए जिनके लिए वो भाव उद्विग्न हो रहे थे तब हम कह सकते हैं कि भक्ति योग पूर्ण होता है कर्म योग कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं वो करना चाहते हैं कुछ ना कुछ काम और जैसा हमने देखा कि कर्मयोग इज दी इन ए वे आ रॉयल रोड टू एंटर इन टू द योगा रॉयल रोड इस सेंस में क्योंकि प्राय सभी व्यक्ति कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं किसी ना किसी रूप में तो कर्म के मार्ग से कर्म के पीछे क्या होता है संकल्प तो संकल्प को धीरे धीरे अलाइन करना भगवान के संपल्प संकल्प से जिसमें रिनन्सिएशन ऑफ ईगो रिनन्सिएशन ऑफ डिज़ायर निष्काम कर्म समता यज्ञार्थ कर्म लोक संग्रहार्थ कर्म ये सब करते करते अंत में सारे संकल्प हमारे जो व्यक्तिगत कारणों से हमारे अंदर कोई भी स्पंदन होता था कि ये काम करना चाहिए वो सब शांत हो जाते हैं सर्व संकल्प सन्यासी तब मास्टर ऑफ वर्क्स वो हमको मिलते हैं अब कौन है ये मास्टर ऑफ वर्क्स और डिवाइन बिलवेड और वो ज्ञानियों के ज्ञानी ये एक ही हैं लेकिन जिस रूट से हम जाते हैं वो उस तरह से हमारा भगवान के साथ साक्षात्कार होता है उस रूट से हमारा भगवान के साथ मिलन होता है साधारण योग इस मिलन के बाद इस साक्षात्कार के बाद इस एक होने के साथ रुक जाते हैं क्योंकि उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया इट डजेंट मैटर कोई भी हिस्सा खुल गया भगवान की ओर एक हो गया तो सोल उस रूट से चली जाएगी जैसे मान लीजिए आपको पहुंचना है दिल्ली टू पांडिचेरी या चेन्नई टू पांडिचेरी जिस भी आपके कई रूट्स हैं अब चेन्नई टू पांडिचेरी बड़ा अच्छा उदाहरण है एक ओल्ड रूट है एक नया रूट है ई है एक पॉइंट टू पॉइंट वाला रूट है तो आप किसी एक रूट से पहुँच जाइए दैट द एंड ऑफ द स्टोरी थोड़ा बहुत डिफरेंस है ईसीआर से जाएंगे तो समुद्र मिलेगा ओल्ड रूट में थोड़ी बहुत कठिनाई है लेकिन वो बड़ा वो सुंदर रास्ता है सुनसान सा है खूब सारे पेड़ हैं और अगर आप टिंडी वनम वो वाला रूट लेंगे जो पॉइंट टू पॉइंट है तो जल्दी वाला रूट है शॉर्टकट है चौड़ा भी है क्योंकि बसेस जाती हैं तो इस प्रकार से अलग अलग रूट हैं उनके अलग अलग अनुभव हैं और हम गंतव्य पे पहुंचते हैं तो गंतव्य पे पहुंच गए तो रूट का महत्व ख़त्म हो जाता है ये एक जनरल योग का ये है कि हम पहुंच गए पौंडीचेरी आप बस से पहुंचे कार से पहुंचे प्राइवेट गाड़ी से पहुंचे आप इस रोड से आइए ये समाप्त हो जाता है लेकिन शेयरविंद के योग में क्योंकि ये हमको भगवान के साथ संपूर्णता से एंगेज करना यह पूर्ण योग है इसलिए ये केवल योगा वर्क्स नहीं है ये केवल योग भक्ति नहीं है केवल योग ज्ञान नहीं है ये केवल मेडिटेशन का योग नहीं है लेकिन मेडिटेशन की अपनी इसमें औचित्य है ये केवल भक्ति का योग नहीं है लेकिन भक्ति एक बहुत अद्भुत आनंददायक और शीघ्रता से फल देने वाला पथ है अफकोर्स उसमें बहुत सारे स्नेयर्स हैं सारे पथ में ये केवल योगा वर्क्स नहीं है जबकि वर्क्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं तो पहली चीज़ अरविंद ये, ये आ, हम लोगों को सम बताते हैं कि इसमें सारे पार्ट्स को हमारे प्रकृति के सभी हिस्सों को एंगेज होना है इस परस्यूट में इतना काफ़ी नहीं कि हम केवल कर्म कर रहे हैं और हम कहें कि भाई हम तो दिन भर काम कर रहे हैं भक्ति ये तो सेंटिमेंटल लोग हैं जो भक्ति करते हैं हमें मेडिटेशन की जरूरत नहीं है हम कर रहे हैं अब ये इट इज़ ट्रू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ये सही है सब चीज़ है लेकिन अल्टीमेटली ये तीनों को फ्यूज करके एक होना है यानी कर्म आपका प्रेम उसके अंदर रस की तरह बहराओ और मेडिटेशन उसकी एक आंतरिक अवस्था हो आप कर्म को कट ऑफ नहीं कर सकते इससे कि नहीं मैं तो कर्म योग कर रहा हूँ सारे दिन काम कर रहा हूँ लेकिन आपके अंदर की अवस्था मेडिटेटिव स्टेट नहीं है आपके अंदर वो प्रेम नहीं है वो प्रेम स्पष्ट होता है जो भगवान से प्रेम करता है ऑटोमेटिकली उसके अंदर सारी सृष्टि के लिए प्रेम जागता है तो पहले ही ये क्लियर कर हैं तो ये तो बात कई जगहों पर शेरविंद ने लिखी है लेकिन अब सुपर माइंड क्यों यहाँ मैंशन कर रहे हैं क्योंकि तब तक ये शब्द प्रचलित होने लगा था सुपर माइंड शेरविंद यूज करते हैं सुपरामेंटल और सुपरामेंटल का अल्टीमेट दूरगामी पर परिणाम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सुप्रामेंटलाइजेशन तो अब क्या होता है योग में कई लोग इसके लिए आकर्षित होते हैं शी अरविंद कहते भी हैं कि कई लोग इस योग में पावर के लिए आकर्षित होते हैं कि अरे ये सुप्रामेंटलाइज हो जाएंगे एक बार मैं जब डॉक्टर के रूप में शुरू शुरू में यहाँ काम कर कोई व्यक्ति आए बहुत वो उसको नींद नहीं आती तो मैंने कहा तुम्हें नींद क्यों नहीं पूछ रहा एक्सप्लोर कर रहा हूँ कहता मुझे डर लगता है मैंने कहा डर क्यों लगता है बोला कि अगर मैं सुबह उठूं ही ना मैं मर जाऊं अगर रात को सोते सोते <laughs> तो मैंने कहा कि भैया इतना डर है तुम्हारे अंदर योग कैसे करोगे कहता है, नहीं ये तो मुझे तो यही योग चाहिए मैंने कहा क्यों चाहिए बोला क्योंकि इसी में आप इमोटल हो सकते हो तो मुझे मृत्यु से डर लगता है तो मेरी रेमेडी तो ये है तो मैंने कहा ये तुम्हारी लॉजिक बहुत अच्छी है लेकिन माता जी कहती हैं कि इमोर्टेलिटी का अधिकारी वही होता है जो मृत्यु से डरता नहीं है तो यहाँ पर ये कैच ट्वेंटी टू वाली सिचुएशन है तो खैर वो तो एक कहानी पर ये मतलब जो सच्ची घटना है पर कहने का अर्थ है कि कई लोग योग को गलत एंड से पकड़ते हैं जैसे हम लोग कहीं पर कोई काम लेते हैं तो देखते हैं इसमें फायदा क्या है इसमें क्या होगा तो वो देखते हैं कि मेरा फायदा इसमें यह है कि मैं सुपरामेंटलाइज हो जाऊंगा इमोर्टल हो जाऊंगा अब वो क्या समझते हैं कि मेरी पर्सनालिटी डॉक्टर आलोक पांडे फॉर एग्जांपल इमोर्टल हो जाएंगे सुपरामेंटलाइज हो जाएंगे तो बड़े एग्रन्डाइज हो जाएंगे उनके चेहरे से उनके सब तरफ से दिव्य कांति फूटेगी लोग कहेंगे अरे डॉक्टर आलोक पांडे महान है <laughs> तो ये क्या हुआ ये अहंकार का खेल हुआ तो अहंकार है वहां भगवान नहीं है जब मैं था तब हारी नहीं जब हारी तब मैं ना ही तो ये ये लेकिन कई लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं वो सुपरमेंटलाइज होने के लिए कई लोग इसलिए कि भाई मैं मुझे सफरिंग नहीं होगी क्योंकि अल्टीमेटली वो डिलाइट की अवस्था है तो नन ऑफ दीज मोटिव स्पष्ट करते हैं इसमें कि अगर ये मोटिव है तो ये प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तुमको योग में भारी बार घूमते रहोगे कोटियाड के बाहर यू कांट एंटर इफ यू हैव कहते हैं खोट आपके मोटिव में खोट है और भगवान इसको ठीक जानते हैं आप दुनिया को डिसीव कर सकते हो आप घूमोगे भगवान मना नहीं करते किसी को आप साइकिलिंग करते रहो चारों तरफ यू कांट एंटर द योगा इफ दर इज ए मिक्सचर ऑफ मोटिव तो पहली चीज कहते हैं टू बिकम अ अपरमेंटल बींग टू बिकम ए सुपरमैन टू गेट पावर्स इसमें ये बताते हैं उनके चिट्ठियों में भी है नन ऑफ दीज इज ए मोटिव फॉर द योगा बिकॉज अगर ये मोटिव है तो मतलब तुम भैया अहंकार को अपना एग्रेंडाइज करने आए हो और अपनी ही पृथकत्व की चेतना जो ईगो के कारण होती है उसी को तुम बना बृहत दशानंद रावण के दस सिर यही तो है ना उसका उसकी बुद्धि गुना तो उस अनुपात में तुम जाना चाहते हो लेकिन तुम्हारी चेतना में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं लाना चाहते हो यू वांट द माइंड बिकॉज ऑफ वॉट इट कैन गिव यू इन टर्म्स ऑफ योर ईगो अचीवमेंट मतलब एक अचीवमेंट की तरह कि बच्चा देखो हमारा फला फला यूनिवर्सिटी पी कर लिया तो वैसे देखो सुपरामेंटल हो गए तो वो एक अचीवमेंट कई बार लोग पूछते भी हैं कि कौन कौन है जो यहाँ सुपरामेंटल हो गए तो मुझे बताना पड़ता है भैया कोई डिग्री ऐसी देते नहीं है अभी तक तो <laughs> क्या पता ही <laughs> सुपरामेंटलाइज डिग्री लेके लगा के तमगा लोग घूम रहे इट इज़ नॉट लाइक दैट नन ऑफ दीज मोटिव एक ही एकमात्र मोटिव है योग की प्रवेशिका डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन एवरीथिंग एल्स इज ए रिजल्ट एंड ए कॉन्सिक्वेंस कहते सब होता है जब भगवान की ओर जाते हो तो शक्ति भी आती है मुक्ति भी मिलती है शुद्धि भी होती है सब कुछ होता है जीवन की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियां ये सब बदलती हैं किंतु आप उसके लिए योग नहीं करते हो योग तो भगवान के लिए करते हो तो अगर ये अंदर में भाव नहीं आया इफ यू आर टर्निंग टू योग फॉर टू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट देन वी शुड नो कि अभी तैयारी चल रही है बाहर घूम रहे हैं हो सकता है द्वार खुलेगा अग्निवीर स्कीम में फिर हम लोग प्रवेश मिल जाएगा बट दिस इज वॉट इट इट एम्प्लाइज तीसरी चीज अब तीसरी चीज कहते हैं कि आप प्रवेश कर गए योग में प्रवेश करने के बाद ये योग बहुत एक लंबे बृहत मार्ग से अगर इसमें रेस्टलेसनेस है कि अरे मानसरोवर चलेंगे चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है और मानसरोवर चलने निकल पड़े और अगर आप हर दो दिन बाद घड़ी देखो भैया मानसरोवर आ गया अरे वो तो इतना अच्छा ही हम कहाँ से जा रहे हैं अगर इस भाव से रेस्टलेस ढंग से अगर यात्रा करोगे तो मानसरोवर इज़ नॉट फॉर अस ये चीज़ भी बताते हैं अब लोग जो चंद्रयान में गए अब कितनी ट्रेनिंग होती है उनकी ऐसी ऐसी ट्रेनिंग होती है छः महीने की हमारे इंस्टीट्यूट में स्पेस मेड एविएशन इंस्टीट्यूट जिसमें मैंने काम भी किया है आपको वो ग्रेविटी की फोर्सेस मतलब नाइन जी ये सब सी ट्रेनिंग करनी होती है बाद में यू कैन बेयर इट अदरवाइज जो थ्रस्ट होगा उसका रॉकेट का आपकी हड्डी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी फिर वो जब जीरो ग्रेविटी होगी तो दूसरा कन्फ्यूजन होगा तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ये सुपर माइंड इज ए लास्ट रियलाइजेशन जो बड़े लंबे एफर्ट के बाद आता है श्री अरविंद को सुपर माइंड की ग्लिम्स कहां होती है वासुदेवम सर्वमिति जेल के अंदर सुपर सुपरमेंटल एक्सपीरियंस है कौन सा साल है ये 1908 है और 1920 में जब आप बरिन को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं आफ्टर अब शी अरविंद ट्वेल्व ईयर्स ऑफ तपस्या आई एम बिगिनिंग टू राइज टू द फर्स्ट लेयर्स ऑफ द सुपर माइंड वो कौन सी तपस्या शी अरविंद की तपस्या अब आप सोचो कितना इट्स हम ये ये वो फल नहीं है अब हनुमान जी ने कोशिश की थी ना ये वही स्टोरी है प्री कोई भी हम एफर्ट करते हैं एक किया था किसने मिस्टर संपाति ने तो उनके पंख जल गए थे तो विजन आ गया शक्ति विहीन हो गए दूसरा किसने प्रयास किया था हनुमान जी ने अब वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है हनुमान जी वो फल समझ के खा रहे हैं तो उनको भेज दिया जाता है लेकिन उनको क्या कहा जाता है ये यू आर मार्ग फॉर दिस सूरज के वो शिष्य भी हैं लेकिन कब ये सब तुमको तब मिलेगा जब तुम भगवान के काम के लिए उद्यत होगे अब देखिए स्टोरी में अपने आप है कि हनुमान जी ने ये चीज़ें कैसे प्राप्त की थी वो भगवान के लिए काम के लिए जब वो दत्त होते हैं तो ये सारी उनके अंदर जो क्षमताएं थी जिसको भू खो बैठे थे अदरवाइज वी विल स्टैंड टू लूज इट क्यों क्योंकि यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई शक्ति आई छोटी मोटी रियल शक्ति तो बड़ी रेयर है और आपने उनका डिस्प्ले शुरू कर दिया कि भाई मैं तो बड़ा ऑकल्टिस्ट हूँ मैं तो जान सकता हूँ भविष्य क्या है अरे भाई जान सकते हो तो अपना भविष्य जानो ना सबका भविष्य बता रहे तुम्हें तोता लेके थोड़ी बैठाया भगवान ने लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीजें शुरू कर देते हैं आश्रम में भी आप मिलेंगे ऐसे लोगों से जो आपको पकड़ के कुछ उन पावर आ गई है सिद्धियां आ गई हैं शेरविंद कहते हैं ये बहुत डेंजरस चीज है क्योंकि आप आसुरिक शक्तियों के कब्जे में आ जाओगे क्यों आसुरिक शक्तियां क्या एग्रेंडाइज यही तो रावण के साथ हुआ तो हनुमान जी को ये विस्मृत होना वे शक्तियाँ जो उनके अंदर थीं उड़ जाना ये सारी लगिमा अनिमा गरिमा महिमा ये सब वो लेके पैदा हुए थे बट वो छीन ली जाती है उनसे ताकि ये कोई गलत राह पे नहीं चले जाए एंड ही इज़ एन अंश अवतार ऑफ शिव स्टिल ग्यारहवें है, रुद्र हैं रुद्र हैं तो इसीलिए ये क्वेश्चन करते हैं कि इस रास्ते में बहुत कुछ आएगा हम लोग उससे भ्रमित भी हो सकते हैं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं पतन हो सकता है यहाँ तक बोलते हैं फॉल इन द योगा या अरेस्टेड डेवलपमेंट हो सकता है तो बार बार हमको इसके प्रति सचेत करते हैं ये तीन मुख्य बातें हैं इस चैप्टर में चैप्टर है ही नहीं ये उसका एक छोटा सा है जो इनकम्प्लीट है पूरा चैप्टर नहीं है और बहुत कुछ है जो शेयरविन वुड हैव लव टू टेल अस लेकिन वो सारी चीज़ें उन्होंने अन्यत्र कही हुई हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल द लाइफ डिवाइन में जब ट्रिपल ट्रांसफोर्सफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें बताते हैं उनके लिए काउंटलेस लेटर्स हैं जिनमें वो इंटरमीडिएट जोन की बात करते हैं खासकर एक साधक को बहुत सावधान रहना है कुछ साधक अनुभव आने के लिए अनुभव के लिए योग करते हैं कंपेयर करते हैं अच्छा आपको क्या अनुभव हुआ अच्छा मुझे क्या अनुभव हुआ अच्छा मुझे, हुआ? अच्छा, मुझे क्यों नहीं हुआ अनुभवों के लिए योग नहीं किया जाता अनुभव आते हैं अनुभव के लिए योग करना मतलब आप जा रहे हो पाण्डिचेरी चेन्नई से कहते हैं रास्ते में वो दुकान कहाँ आती है वो पेड़ कहाँ लगता है हमको वहाँ जाके ना ये चीज़ें लेनी है अब लेने तक ठीक है पर आप उलझ गए उसमें वो नारद जी की कहानी है कि मुझे पानी चाहिए प्यास लगी है कृष्ण जी भेजते हैं वो शादी ब्याह बच्चे सब हो जाते हैं उनके तो शेरविंद कर, सचेत करते हैं कि एक इंटरमीडिएट जोन होता है इंटरमीडिएट जोन मतलब आपकी प्रेजेंट अवस्था और योग युग अवस्था के बीच में मेंटल और वाइटल वर्ल्ड्स आते हैं ये इंटरमीडिएट वर्ल्ड्स हैं पर खासकर वाइटल उसको वैली ऑफ फॉल्स ग्लिमर भी कहा गया है तो वहाँ पे आपको आवाज़ें सुनाई देना आपको विजन्स दिखाई देना और अगर आप ये मान के चलोगे हर आवाज़ भगवान की आवाज़ है ऐसे से लोग थे जो कुएं में कूद गए कि हमको शेरविंद की आवाज़ आई रियल मुझे शेरविंद आप मुझे बुला रहे हैं तिरुपति लॉस्ट इज मेंटल बैलेंस तो कहते हैं ये योग मेंटल बैलेंस लूज करके नहीं होता है इसमें आपको स्टडीली जाना है जीवन में तो तिरुपति थे वो उनको शेरविंद ने यहाँ से भेज दिया था यू कान स्टे हियर लेकिन अरेंज किया उनका सारा रहने का आई थिंक आंध्र में कोई जगह थी वहाँ पे रहते थे तो अचानक उनका टेलीग्राम आएगा आई एम कमिंग तो शेरविंद ने कहा हिम नॉट टू कम क्योंकि उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी यहाँ के तो इंटेंस प्रेशर है तो वो कहते हैं कि इनर श्योरबिंदो इज टेलिंग मी टू कम तो शेरविंद कहते हैं बट आई श्योर बिंदो इज़ टेलिंग यू नॉट टू कम तो डिसाइपिल दिस लिखता है कि ये तो आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि बाहर से मना कर रहे हैं फिर भी मुझे अपने अंदर की आवाज़ सुननी है देखिए अंदर की आवाज़ इतनी घातक हो सकती है तो कहते हैं इट इज़ नॉट ड्रॉपिंग ऑफ रीजन बट इनोबलिंग रीजन आप रीजन को ड्रॉप करके इंट्रा रैशनल बन जाओगे आप सोच रहे हो आप सुप्रा रैशनल की ओर जा रहे हो बिकॉज यू हैव टू गो बियॉन्ड रीजन ये रीज़न को ही एनलार्ज करके रीजन को ही ऑब्जॉर्व कर लेता है डिवाइन लॉजिक डिवाइन की भी एक लॉजिक होती है वो कैप्रिस लगती है हमको क्योंकि हम उस लॉजिक को नहीं जानते हैं तो हमको लगता है ये भगवान ने इसके साथ क्यों किया वहाँ क्यों हुआ लेकिन उसमें एक लॉजिक ऑपरेट करती है वो लॉजिक ऑल कॉम्प्रिहेंडिक सुपरमेंटल हो उसकी सुपरमाइंड की लॉजिक है तो रीजन को उसमें ट्रांसम्यूट होना है ना कि उसको ड्रॉप करना है तो ये सारी चीज़ें इसमें बताते हैं तो ये से वेरी छोटे सा है पांच पेज का लेकिन कई इंटरेस्टिंग बिंदु हैं अफकोर्स जिन लोगों ने शेरविन साहित्य का गहन अध्ययन किया है दे वुड बी नोइंग दिस बट अक्सर ये चीज़ लोग मिस करते हैं बिना अध्ययन किए हुए योग से जुड़ जाते हैं कोई वॉइस सुनाई देती है कोई विजन दिखाई देता है कोई एक्सपीरियंस की बातें सुनते हैं और उनको लगता है कि बस हम तो योग में आ गए भैया बहुत दूर है बहुत कठिन है ये डगर पनघट की कितनी बार मटकी आपकी फूटेगी आपको पता चलेगा कि भैया ये वो वाली मटकी नहीं है इट दैट साउ परफेक्शन का रास्ता है तो यहाँ पर पहले तो वो ये बताते हैं कि प्रारंभ व्यक्ति किसी एक स्ट्रैंड को लेके करता है कर्म ज्ञान या ज्या, भक्ति को लेकिन धीरे धीरे इन तीनों को मिलना है वो होता ही है कोई कर्म से प्रारंभ होगा अपने आप आप देखें उसके अंदर एक मेडिटेटिव टेंडेंसी जागृत हो रही है फिर भगवान के लिए भक्ति जागृत हो रही है इत्यादि इत्यादि पहले ये बताते हैं फिर ये बताते हैं ए यूनियन विद द डिवाइन रियालिटी ऑफ हर बींग पेज टू एट्टी एंड ऑल बींग इज द वन एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ द योगा ए यूनियन विद द डिवाइन रियालिटी ऑफ हर बींग एंड ऑल बींग इज द वन एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ द योगा जो लोग ये सोचते हैं कि अब माँ के बारे में कोई ज़रूरत नहीं आप है अब सुपर माइंड है डायरेक्टली सुपर माइंड ध्यान से सुने इसको टू बिकम वन विद द डिवाइन यू कॉल डिवाइन द मदर फॉर एस जो शेरविंद ने कहा है दैट इज द ऑब्जेक्ट इट इज ने टू कीप दिस माइंड वी मस्ट रिमेंबर दैट अवर योगा इज नॉट अंडरटेकिंग फॉर द सेक ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सुपर माइंड इड सेल्फ बट फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन तो सुपर माइंड का क्या रोल है क्योंकि आप भगवान की सेवा परफेक्टली नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर इग्नोरेंस है आप भगवान से पूरी तरह एक नहीं हो सकते जब तक आपकी यंत्र वगैरह उपकरण तो सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भगवान के मैनिफेस्टेशन के लिए आवश्यक है और चूंकि इस योग में हम मैनिफेस्टेशन से जुड़ रहे हैं इसलिए और वो भी एक कॉन्सिक्वेंस के रूप में है ना कि एक ऑब्जेक्टिव के रूप में

भोजन करोगे ना थोड़ा सा भी उसमें कुछ मिला हुआ है तो आपको किरकिरा लग रहा है तो चेतना के अंदर कि अरे ये पार्ट नहीं जुड़ा है ये ग्रेन्स ऑफ सैंड है जहाँ फिसल रही है कोई चीज अपने आप क्योंकि वो परफेक्शन की खोज में ये अपने आप आने लगता है वो माँ सरस्वती जब शेप करती हैं ये वेसल परफेक्ट नहीं है तो तब क्या होता है अपने आप, आप सुपरमेंटल की तरफ जाते हो परफेक्ट परफेक्शन क्योंकि भगवान का परफेक्ट मैनिफेस्टेशन हो इंस्ट्रूमेंट के साथ एक चैनल बन के इट इज ए मिस्टेक टू थिंक एज मैनी आर एप्ट टू थिंक दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सुपरमेंटल योगा इज टू अराइव एट ए माइटी मैग्निफिसेंस ऑफ सुपरमैन हुड ए डिवाइन पावर एंड ग्रेटनेस द सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ ए मैग्निफाइड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो अगर कोई प्रश्न करता है कि भैया बताओ यहाँ कौन कौन सुपरमैन हो गए वो प्रश्न ही उचित नहीं है जो सुपरमैन हो गया उसका ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी खत्म हो गया <laughs> एक अलग चेतना में जी रहा है अगर आपके बगल में खड़ा होकर सुन भी रहा है तो हाँ हाँ मैं हूं ना एक एक वो भी है पड़ोसी मेरा दैट्स नॉट हाउ इट ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है इस योग का ये उसका कॉन्सिक्वेंस है कार्ड बिफोर द हॉर्स नहीं दिस इज ए फॉल्स एंड डिजास्ट्रस कंसेप्शन डिजास्ट्रस बिकॉज इट इज लाइकली टू रेज द प्राइड Vanity and ambition of the Rajasic vital mind in us, and that, if not overpassed and overcome, must lead to spiritual downfall. It is most dangerous for the active and dynamic nature of the man, of will and works, which can easily be led away by the pursuit of power. Power comes inevitably by the supramental change, it is a necessary condition for a perfect action. बट इट इज़ द डिवाइन शक्ति दैट कम्स एंड टेक्स अप द नेचर एंड द लाइफ तो ये ये नहीं होती कि मेरी पावर ये जब तक आपके अंदर भाव है तो वो ट्रू पावर नहीं है ये डिवाइन शक्ति वो अपना काम करती हैं वही इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करती हैं वही काम करती हैं और वो फिर रिसीव कर जाती हैं वही धीरे धीरे चेंज लाती हैं टिल द होल इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या काम है खुले रहना रिसेप्टिव रहना सिंसियर रहना समर्पित रहना तो यहां बार बार इस चीज को क्लियर किया जा रहा है और शेयरविंद कहते हैं कई लोग कई लोग ये सोचते हैं वेस्टर्न कंटेक्ट में तो मैं कई लोगों से मिला हूं वो माता जी की बात नहीं करेंगे एस्पिरेशन वगैरह की बात नहीं करेंगे वो शेयरविंद को एक योगी थे तो अब क्या अब सुपर माइंड है ना हम डायरेक्टली सुपर माइंड के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं इसीलिए पागल हो जाते हैं मतलब उनको नहीं पता चलता है लेकिन वन कैन सी कि कहाँ वो एक योग का या नहीं है लेकिन वो उस अवस्था में घूमते रहते हैं सेटिस्फाइड है सेमिनार में कॉन्फ्रेंसेस में ऑल द रेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट डिटेल एंड अटेंडेंट सर्कमस्टेंस इगोसेंट्रिक इंपल्सिस एम्बिशन डिजायर ऑफ पावर एंड ग्रेटनेस मोटिव ऑफ सेल्फ एसर्स आर फॉरन टू दिस ग्रेटर कॉन्शियसनेस कोई भी व्यक्ति अगर अपने को पुश कर रहा है किसी भी चीज में मैं करूंगा मेरा नाम होगा हो सकता है वो बाहर से ना करे अंदर में वो चीज चल रही हो तो मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डायरेक्शन ले लिया है और अगर ये उसको इमिजिएटली कॉशियस हो के ये नहीं कि काम त्यागना है काम, कर्म तो होना है जो होना है पर उसको अपना नाम त्यागना है कैसे ये नहीं कोई ले रहा है नाम नहीं ले रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपके अंदर ये स्पंदन या भाव नहीं आना चाहिए कि दिस इज माइन दैट इज इनकन्सिस्टेंट विथ योगा माता जी से जब किसी ने पूछा था कि माँ आपकी इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स ल्यूब में हम चाहते हैं कि वो यहां आ जाए माँ कहती माय चाइल्ड वी लिव इन इटर्निटी एक जगह शे अरविंद कहते हैं व्हेन द सन कम्स आउट इट डज नॉट नीड टू अनाउंस इट सेल्फ कमिंग इज इट्स अनाउंसमेंट इसलिए कई बार देखेंगे ना आप Uh, कोई बड़े स्पिरिचुअल वो सो so कॉल्ड वो विजिट करते हैं आप अनाउंस कर रहे हैं इतने बार जो भी लगा के नाम आ रहे हैं अरे जो है सो है उस कोई अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं होती वो अपने आप जिनको आना है जहाँ आना है दे कम दैट्स हाउ इट शुड बी फिर नेक्स्ट पैसेज टू एटी वन पर इट मस्ट ऑल्सो भी केप्ट इन माइंड दैट द सुपरमेंटल चेंज इज डिफिकल्ट डिस्टेंट एंड अल्टीमेट स्टेज इट मस्ट बी रिकार्डेड एज द एंड ऑफ ए फार ऑफ विस्टा इट कैनॉट बी एंड मस्ट नॉट बी टर्न इन टू ए फर्स्ट एम ए कॉन्स्टेंटली एन वी सास्ड गोल और एन इमीजिएट ऑब्जेक्टिव तो इमीजिएट ऑब्जेक्टिव क्या है शेयर में बताते हैं पहले तुम्हारा इनर बींग जो है वो योगनिष्ठ होना चाहिए इनर माइंड इनर वाइटल बाहर की नेचर पर्सनैलिटी नहीं बदलती है इतने आराम से और लास्ट पर कम से कम अंदर में आपके अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों हैं यहाँ पर माइंड शुड भी टर्न टूवर्ड्स ग्रेटर एंड ग्रेटर सीकिंग फॉर नॉलेज और इन्फिनिट है तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है हार्ट शुड भी कॉन्स्टेंटली वॉन्टिंग एन इनर नियरनेस यूनियन एवरी विच वे मर्जर इन द डिवाइन लाइफ शुड बी ट्रेन टॉट एंड टर्न कम्प्लीटली इन टू डिवाइन सर्विस

तो ये इसमें वो बताते हैं फिर वो कहते हैं कि वो एक लाइफ में हो सकता है या कपिल ऑफ लाइफ में हो सकता है ए हेस्टी एंड इग्नोरेंट माइंड ए टू ईगर फोर्स इजली फॉरगेट दिस नेसेसिटी दे रश फॉरवर्ड टू मेक द सुपर माइंड एंड इमिजिएट एम एंड एक्सपेक्ट टू पुल इट डाउन विद ए पिच फोक फ्रॉम इट्स हाइएस्ट हाइट्स इन द इनफिनिट दिस इज़ नॉट ओनली एन एब्जर्ड एक्सपेक्टेशन बट फुल ऑफ डेंजर तो ये सारे जो इवन शेयरविंद के नाम से हम कोर्स करा रहे हैं कुछ दिनों का कोर्स जिसमें आपको मेडिटेशन सीखोगे ये सब बेकार की चीज़ें हैं ये दिस इज ऑल फ्रॉट विद डेंजर एक लंबा रास्ता है बी रेडी फॉर दैट देर इज़ नो शॉर्टकट और उस रास्ते में एक एक कदम बढ़ाते जाना है और शेरविंद कहते हैं विदाउट लॉस ऑफ बैलेंस यानी ये नहीं कि अब तो हम योगी हो गए अब हम ये नहीं करते वो ये बाहर का जिसमें कह रहे हैं फ्रॉड विद डेंजर्स टेम्पटेशन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस ए हंट फॉर सुपर नॉर्मल पावर्स ए टर्निंग अवे फ्रॉम द डिवाइन टू द आसुरिक नेचर ए फेटल सेल्फ इन्फ्लेशन इंटू एन अन अनह्यूमन एंड अनडिवाइन बिगनेस ऑफ मैग्निफाइड ईगो यहाँ एक सज्जन थे हैं अभी भी बहुत सबको पकड़ पकड़ के उनकी प्रॉब्लम बताते थे तो एक दिन आए मेरे से बात करने वो थोड़ा डिस्टेंस रखते थे शुरू शुरू की बात है जब मैं आया तो बताने लगे मुझे ये पता चल जाता है वो पता चल जाता है मैं इसका ये है उसका वो है तो पहले तो मैं सुनता रहा लगभग आधे घंटे उन्होंने अपना क्या कहते वो ज्ञान प्रशंसा ज्ञान करते रहे फिर मैंने कहा देखिए अब आई फेल्ट लिटिल इंस्पायर्ड टू तो से समथिंग तो मैंने कहा देखिए बाकी सब अच्छा है लेकिन आपकी भी एक प्रॉब्लम है आप नहीं समझ पा रहे हैं तो <laughs> मैंने कहा क्या मैं कहा आपको डिल्यूशन है है आप खुद को भगवान समझ रहे हैं ये बड़ी खतरनाक चीज़ है क्योंकि इससे आसुरिक नेचर अब वो जाके ना आश्रम में लोगों को पकड़ पकड़ के आपके अंदर ये प्रॉब्लम है आई थिंक सम पीपल नो इट आपको मैं करूँगा मेरे पास आ जाना आई विल अरे भाई ये नहीं ये योग में ये सब नहीं किया जाता है अब होते हैं लोग बोले वाले नए लोग आते हैं उसमें उलझ जाते हैं मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम है कि ईगो बहुत Uh, उसका जो पारा है ना वो 108 जो होता है फीवर में वो डेंजरस होता है ये डेंजरस मार्क को क्रॉस कर गया है तो अब वो उसके बाद नेवर मेट मी स्टेड तो अब समटाइम्स अदरवाइज जनरली यू हैव टू लीव पीपल टू तो देयर ओन फेट बट इट्स ए सैड फेट ट्रैजिक फेट क्योंकि यहाँ पे जो संभावना है उसको त्याग आप सुपर नॉर्मल पावर्स खुद को योगी दिखाने की मैं मेरे पास सिद्धियाँ हैं मेरे पास ये हैं वो हैं और आपके पास सिद्धि है तो भगवान की सेवा में यूज करिए भगवान के कहने पर यूज करिए यू डोंट नीड टू टेल दिस टू एनी और शो मेक ए शो ऑफ इट दिस इज नॉट ए योगा अच्छा आगे बताते हैं इससे क्या होता है ए मेंटल ए लॉस ऑफ बैलेंस ए मेंटल अनहिंजिंग एंड फॉल इन टू अनिजन और ए वाइटल अनहिंजिंग एंड कॉन्सिक्वेंस मॉरल एब्रेशन और ए डेविएशन इंटू सम काइंड ऑफ मॉर्बिड एबनॉर्मेलिटी ऑफ द नेचर मे बी द दूवर्ड कॉन्सिक्वेंस वाइटल अनहिंजिंग पैसों के पीछे या कोई और चीज़ के पीछे एकदम दीवाना हो जाना और आपको ही लग रहा है कि हाँ ये तो हमारे अंदर प्रेरणा आ रही है दिस इज नॉट ए योगा इन विच एबनॉर्मैलिटी ऑफ एनी काइंड इवन इफ इट बी एन एग्जॉल्टेड एबनॉर्मैलिटी कैन बी एडमिटेड एज ए वे टू सेल्फ फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आप कट करके बाकी पार्ट्स को एक पार्ट में रियलाइज कर रहे हो बाकी आपका एबनॉर्मल <coughs> हो गया वांट ऑफ बैलेंस हो गया दिस इज नॉट ए योगा फॉर दैट शेयरविंद यहाँ से भेज देते थे जब भी किसी के अंदर यह होता था इवन वन वन एंटर्स इन टू सुपर नॉर्मल एंड सुपरा रैशनल एक्सपीरियंस दे शुड बी नो डिस्टर्बेंस ऑफ द पॉइज विच मस्ट बी केप्ट फॉर्म फ्रॉम द समिट ऑफ द कॉन्शियसनेस टू इट्स बेस द एक्सपीरियंसिंग कॉन्शियसनेस मस्ट प्रिजर्व ए काम बैलेंस एंड अनफेलिंग क्लैरिटी एंड ऑर्डर इन इट्स ऑब्जर्वेशन ए सॉर्ट ऑफ सबलिमेटेड कॉमन सेंस ये वर्ड मुझे बहुत सुंदर लगा सबलिमेटेड कॉमन सेंस शेरविन इसीलिए कहते हैं कई लोग यहाँ पर आके सरेंडर करना है तो सबसे पहले क्या सरेंडर करते हैं कॉमन सेंस सरेंडर करते हैं अब कॉमन सेंस क्या है कुएं में कूदोगे तो चोट लगेगी नहीं मुझे प्रेरणा आ रही है अंदर से आवाज़ कह रही है मुझे अब देखिए क्राइस्ट कहते हैं ना जब उनको डेविल टेम्प्ट करता है कुछ जाओ तुमको तो फेथ है भगवान में तो कुछ नहीं होगा तो क्राइस्ट मौन रहते हैं फिर कहते हैं वन शुड नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड माई गॉड तो ये भी मैं कुछ नहीं छोड़ दूंगा सब कुछ एक व्यक्ति को जानता हूँ ये होता है ही वेंट इन टू दिस आइडिया दैट ही इज डूइंग इन साधना लोगों के अंदर भी ये चीज़ आने लगी अरे वो बड़ा साधक है वो यहाँ कहाँ डाइनिंग रूम में काम भी करते थे और नाइज गुड ह्यूमन बींग अल्टीमेटली वो छोड़ के एक आइसोलेट करके रहने लगा अब और भी ज़्यादा लोगों के अंदर है देखो एकदम अकेला एकांत में साधना पड़ चुका रहा है अब लोग तो बड़े इससे आकर्षित होते हैं एकांत एक में साधना पड़ किसी से मिलता जुलता नहीं है कुछ लोग चेले भी बन गए गाइडेंस के लिए वहाँ जाने लगे पांडिचेरी में कुछ दूर था कहते दस साल में कि यहाँ जो मुझे करना था हो गया अब मैं एकांतिक साधना कर रहा हूँ तो मुझे लोग बोलते थे मुझे समझ आ गया था कि ये ये रूट सही नहीं है फिर उनकी मदर की कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे बुलाया गया जस्ट टू मीट ही ईस टू लिसन टू द लेक्चर्स एंड कहीं पर एक रिगार्ड था ही यूस टू फील मैंने जाके देखा वो धोती पहन के वो जस्ट <laughs> मिलने आ रहे हैं उठा के ही विल कम डाउन तो आ रहे हैं अब मैं नॉर्मल रेगुलर आदमी मैंने कहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम क्या हो गया मम्मी को तो अब वो तो वैसे यूज़ टू तो नहीं है ना बात करने तो कहाँ से धर्म की बात लाके कि क्यों उन्होंने मम्मी को पहले नहीं रखा अपने पास में ही डजन वॉन्ट टू कीप हर क्योंकि अटैचमेंट अरे गीता में क्या लिखा है तो वो ही डिन वॉन्ट टू कीप विद हिम क्योंकि ये था कि इट इज़ अ साइन ऑफ अटैचमेंट पर अब देखो अब उनकी तबीयत खराब है तो ही इज़ वर इट ही डन वॉन्ट टू एडमिट ही इज वर इट तो ही इज इन्वॉल्विंग डॉक्टर कॉलिंग इम ऑल द वे क्योंकि जाके अगर मिलेंगे तो यू अब बिकम एन ऑर्डनरी पर्सन ना एक डॉक्टर की डिस्पेंसरी में एक योगी थोड़ी वॉक इन करेगा कहेगा मेरी मम्मी को डिमेंशिया हो गया है तो एनी <laughs> वेज देखा मैंने सब सजेस्ट किया आई जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग अब उनको क्या हुआ कि एक घाव हो गया पाँव में यहाँ तक ठीक है आपका जीवन चल रहा है वो घाव बढ़ता चला गया और ही सेड नई नी आई एल क्योर इट बाई इनर मीन्स तो उनके जो कुछ चेले जिनका भी मस्तिष्क वेंट ऑफ अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास आए क्या उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है प्लीज कमेंट्स सी मैंने कहा देखो जो तुम बता रहे हो ना ही नीड्स अर्जेंट एडमिशन तो नहीं 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 वो तो अपने आप तो ही एक्सपेक्टेड कि आई डू सम मैजिक मैंने कहा भैया ये सब के लिए मत बुलाओ ही नीड्स टू बी इन द हॉस्पिटल नहीं माने फिर कोमा नेचुरली सेप्टिसमिया हो गया तो फोर्स करके एडमिट किया और एडमिशन किया तीन चार दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगे देनी टाइट नाउ दिस इज अ वेरी सैड स्टोरी यंग एज ही फिफ्टीज में हेस्टली ये एक यात्रा है यात्रा का भी एक जॉय होता है भगवान में श्रद्धा करके समर्पण के साथ धीरे धीरे जॉयसली आपके वेदों में इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि ये वह चिड़िया है सोल की साइकिक बींग की जिसका एक पांव आकाश की ओर है और एक पांव धरती पर फर्म पाद पृथ्वी और अगर वह दोनों पांव उठा ले तो वो चली जाएगी मतलब खत्म हो जाएगी वो इट विल गो अब ये वो योग नहीं है लिबरेशन के मार्ग में ही आप कर सकते हो बट दिस इज अग ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा अगर हमारा मन प्राण शरीर और ये चीजें छिपी रहती हैं अंदर में तो इसीलिए शेयरविंद बार बार ये पॉइंट कर रहे हैं कि हाउ डेंजरस इट कैन बिकम और वो ये चीजें क्यों लोग करने लगते हैं कि भाई शेयरविंद देखो वो एकांतवास में शेयरविंद का एकांतवास में इसलिए गए थे क्योंकि अगर वो लोगों के बीच रहते तो वो जो कॉन्सेंट्रेट करके सुप्रामेंटल नीचे लाना वो कहते भी हैं कि माई डिसाइबल वो मी आप क्योंकि वो इतने भोले हैं इतने सॉफ्ट हैं वो किसी को मना नहीं कर सकते सी ही वुड नॉट कंसीड टू एनीथिंग थिंग विच इज फॉल्स लेकिन प्रेम वो प्रेम है ना कृष्ण का एस्पेक्ट है शिव का एस्पेक्ट है चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं उन्होंने अपनी आंखें पर दूसरी बात है कि वो स्टेंग इन वन रूम ही कुड गवर्न द होल क्रिएशन वो सारी उनके अंदर वो सारी विधाएं क्षमताएं सब आ गई थी सारी सिद्धियां आ गई थी और फिर भी वो डिसाइबल से मिलते थे उनके कुछ लोग थे जिनसे वो रेगुलर मिलते थे हाँ दर्शन चार बार देते थे पहले दो बार फिर तीन बार अंततः चार बार तो वो ऐसा आइसोलेशन नहीं था कि हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और हम बस खाना कोई रख, रख देगा अंदर में हम उसको खा लेंगे ऐसे योग नहीं किया जाता है परफेक्ट बैलेंस बार बार और इसकी बात जितने भी रियलाइज योगी हैं वो करते हैं बुद्धदेव भी करते हैं शेरबिंद भी करते हैं माता जी कहती हैं मिडिल पाथ बैलेंस तो ये बार बार इट इज़ नॉट बाय बिकमिंग इन और इंट्रो रैशनल दैट वन कैन गो बियॉन्ड ऑर्डनरी नेचर इंटू सुपर नेचर इट शुड बी डन बाई पासिंग थ्रू रीज़न टू ग्रेटर लाइट ऑफ सुपर रीजन रीजन को ड्रॉप करके हम नहीं जाते हैं उधर रीज़न को सारी फैकल्टीज प्रेम को हम ड्रॉप करके डिवाइन लव नहीं प्राप्त करते हैं प्रेम को इनोबल करके अनसेल्फिश बना के अंत में वो डिवाइन लव के कोर को टच करता है संकल्प को ड्रॉप करके हम नहीं भगवान के साथ जुड़ते हैं भगवान के कर्मी बनते हैं संकल्प को जोड़ के भगवान के साथ भी बिकम द डिवाइन वर्कर रीज़न को ड्रॉप करके हम सुप्र सुप्रमेंटल चेतना का ज्ञान का प्रकाश नहीं उतरता है रीजन को आप इनोबल करते जाते हो वाइडन करते जाते हो और प्लास्टिक बनाते जाते हो तब धीरे धीरे वो ज्ञान आते आते उसके स्ट्रक्चर्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है तो अब वो डिवाइन रीजन में रूपांतरित हो जाता है तो यहाँ बार बार वो बता रहे हैं सावित्री में एक लाइन है हाउ शेल दी हाउ शेल ग्रेटर ट्रूथ की बात करते हैं इफ द माइंड लीब्स इन टू एन दैट इज नॉट दाथ तो यहां पर इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से रीजन डिसेंड्स इन टू रीजन एंड टेक्स इट अप इन टू हायर लेवल्स इवन वाइल ब्रेकिंग इट्स लिमिटेशन रीजन इज नॉट लॉस्ट बट चेंजेस एंड बिकम्स इट्स ओन ट्रू अनलिमिटेड सेल्फ ए कोऑर्डिनेटिंग पावर ऑफ द सुपर नेचर फिर एनदर एरर दैट हैज टू बी गार्डेड अगेंस्ट इज आल्सो वन टू विच आर मेंटालिटी इज ईजली प्रोन इट इज टू टेक सम हायर इंटरमीडिएट कॉन्शियसनेस और इवन एनी काइंड ऑफ सुपर नॉर्मल कॉन्शियसनेस फॉर द सुपर माइंड और ये तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं फ्रॉम दी योगी सिटिंग एंड गेटिंग अग्रवाल की मिठाई थे कहाँ पर है रांची में कहाँ पर उनका यही कर्तव्य होता था आप कोई मिठाई बोल दीजिए वो ले आएंगे ओ, कहीं से भी ले आएंगे लोग बड़ा अरे बड़ी पावर है अरे भाई ऐसी पावर्स बहुत सारी आती हैं थॉट रीडिंग माइंड रीडिंग कॉमन भरा हुआ है ये इनर जगत इन चीजों से विद्याएं भी हैं आप इनको मास्टर कर सकते हो नन ऑफ दीज ये अरविंद का एक पत्र है वन में अचीव अमेजिंग फिजिकल फिट्स एंड सिद्धिज वन में लग्जोरिएट इन वाइटल एक्सपीरियंसेस वन में इवन हैव मेंटल इल्यूमिनेशंस येट नथिंग इज डन इफ द सीक्रेट साइकिक एंटिटी हैज नॉट स्टेप्ड फॉरवर्ड इफ वन रिफ्यूजेस टू बिकम ए चाइल्ड न्यू बॉर्न टू द डिवाइन मदर और यह समस्या होती है क्योंकि अब आपको ये सब अनुभव हो गए डिवाइन मदर के पास जाओगे तो उनकी क्या है वो तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है शी विल शी में जस्ट टेक इट एक अगर वो देखें बहुत हीस्टिक हो रहा है और शी में गिव यू समथिंग एल्स तो वो डिवाइन मदर को सरेंडर करने से डरते हैं ये इनकी एक पहचान होती है दे वांट बट उनको पता है कि डिवाइन मदर के सामने कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती है सम वेयर इंस्टिंगटिवली इट इज नोन सो ये इसमें शेयरविंद हमको सचेत करते हैं इंटरमीडिएट जोन इसको वैली ऑफ इंटरमीडिएट ग्लिमर कहा गया है और सावित्री में इस पर पूरा एक बुक सेवन द बुक ऑफ योगा एंट्री इन टू द इनर कंट्रीज में पूरा डिस्क्रिप्शन है जहां वो यहां तक कहते हैं वेयर डेथ वॉक्स वेयरिंग ए रोब ऑफ डेथलेस लाइफ ट्रूथ डज वर्क्स ऑफ फॉल्सुड विथ बैंडेज आइज उसको लग रहा है कि मैं सत्य का माँ का इंस्ट्रूमेंट हूं पर फॉल्सुड का इंस्ट्रूमेंट बन गया है और फिर कहते हैं हियर दी साधक में एंटर मतलब अब ये लाइन अलग है हियर द प्रैक्टिशनर ऑफ द पाथ जर्नी में एंटर कर सकता है और फिर क्या होता है कहते हैं और वहाँ पे जाके दोल्स कॉट दे आर नेवर कैन कम आउट दे आर ट्रैप्ड इन दैट जोन अंटिल अ डैथ दे आर वॉमिटेड इन टू द सिंक ऑफ नॉट मतलब वो जब मृत्यु के बाद ही वो फिर छुटकारा पा सक हैं। क्योंकि वो बड़ा एक वो चक्रव्यूह है ऐसे व्यक्ति से मैं मिला जो बच्चे ने कहा कि इसका इनका मेरे पापा को ये हो गया वो हो गया कुछ करिए तो आए तो मेरी बात हो रही थी बड़े अच्छे से स्माइल करके माता जी के डिबोटी हैं जाते नहीं समाधि कुछ नहीं घर में रहते हैं और उसमें तो बाद बात में बात हुई मैंने कहा इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है जो क्लियर नहीं पता चल रही है जस्ट थिंकिंग तो होता है ना भगवान उस समय कुछ कहलवा देते हैं तो उन्होंने अपने आप का एक्चुअली क्या है ना मैंने उनको यही बोला कि सब ठीक है माताजी की तरफ आप मुड़िए माताजी की तरफ खोलिए जो हम लोग स्टैंडर्ड हम लोग अल्टीमेट फार्मूला तो कहते हैं नहीं उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अब मेरा अलर्ट हो गया मैंने कहा क्या हो गया मैं कहते हैं आई एम माय सेल्फ सुप्रीम मैं सुप्रीम हूँ तो उनका बेटा पीछे से कहता यही प्रॉब्लम है मैंने कहा इसका इलाज नहीं है मेरे पास सुप्रीम का मैं कैसे इलाज करूं भाई तो वो आती नहीं थी कभी तो आ गए पता नहीं क्यों आ गए मेरे पास वो जाती नहीं थी किसी बात कहते कहते मैं सुप्रीम हूं तो ना देखिए उनको रहने दीजिए ना अपने डिल्यूशन में अब आप क्यों बेचारे उनको अब बबल फटेगा ना तो बहुत पीड़ा होगी अब आपके पास अब उनकी उम्र हो गई है उनको आप जैसे भगवान का नाम लीजिए और उनके ऊपर छोड़ दीजिए बोलते हैं मुझे माँ की और मुड़ने जुड़ने इसकी ज़रूरत नहीं है मतलब वो तो एक लोअर लेसर मॉडल्स होते हैं ना उनके लिए क्यों कहते हैं मैं ही सुप्रीम हूँ अब उन्होंने आगे कहने से चूक गए कि अल्टीमेटली तो मैं ही गाइडेंस दे रहा हूँ सारी सृष्टि को तो देखिए इंटरमीडिएट जोन कितना भयानक हो सकता है और हमको लगता होगा कि ये चीजें हमारे साथ नहीं हो सकती ये चीज़ें आती हैं सजेशंस आते हैं योगियों के अंदर कि आई एम एन अवतार आई एम ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आई एम दिस आई एम मार्क्ड आउट वेदर यू आर और नॉट इज इरेलीवेंट दैट्स नॉट फॉर यू टू इवन थिंक अबाउट और ऐसे विचारों को जैसे ही आए तो बे ऑफ बंगॉल पास में है <laughs> <laughs> उसमें शीघ्र शीघ्र डुबो देना चाहिए तो यह इंटरमीडिएट जोन की बात हो गई इस सबका बहुत वर्णन है और वो बताते हैं कि कैसे कैसे अनुभव होते हैं और लास्ट में वो बताते हैं टू इमेजिन दैट वी हैव रीच सच ए कंडीशन स्पिरिचुअल नेचर की वेन वी आर स्टिल मूविंग इन द डायनेमिक्स ऑफ द इग्नोरेंस दो इट मे बी एन ए और इ इग्नोरेंस इज टू ले अवर सेल्स open either to a disastrous misleading or to an arrest of the evolution of the being. For if it is some inferior state that we thus mistake for the supermind, it lays us open to all the dangers we have seen to attend a presumptuous egoistic haste in our demand for achievement. If it is one of the highest higher states that we presume to be the highest, we may, though we achieve much,

संस्कृत में इंग्लिश में सारी कई किताबें तो उनसे किसी ने एक बार पूछ लिया धोती भी पहनते थे पर जनरली वो पैंट वुशर्ट पहन के जहाँ पे तो पूछ लिया छोटे नारायण जी आप पैंट शर्ट ही पहनते, उनको लगा इसके पीछे भी कोई बड़ा कोई उसने कहा देखो भाई हम सब तो ऐसे ही हैं हम सब उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया कामना वासना के विष्ठा खाने वाले कीड़े अब आई नो ही एज एक्सरेटेड बट स्टिल कहते हैं हम लोगों को ऐसे ही लोग कुछ बोल देते हैं भगवान के कौवे तो लोग हमारे पाँव पड़ने लगते हैं अब अगर मैं धोती कुर्ता पहन के जाऊँगा तो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो धोती देख करके के लोग समझते हैं कि ये भगवान है और उसमें अगर आप थोड़ा ये सब त्रिपुंड लगा के चार संस्कृत के श्लोक बैठ करके आप थोड़ा लोगों ने देख लिया अरे वाह क्या मेडिटेशन करते हैं चाहे आपका ध्यान कहीं और भटक रहा हो पर बाहर से देख करके तो ये योग बहुत सरल सहज और सुंदर है लेकिन इसका एक शर्त है कॉन्स्टेंट सरेंडर ऑफ द ईगो टू द बियॉन्ड ईगो आप जो भी हैं जहाँ भी हैं बड़े से बड़े योगी समझ रहे हैं लोग लेकिन आप कॉन्स्टेंटली हर अवस्था को हर सो कॉल्ड अचीवमेंट क्योंकि आपकी व्यक्तिगत तो कुछ है नहीं हर प्रतिभा हर विधा हर चीज को माँ के समर्पण करके माँ की सेवा में सदैव रोधित रहना इन टोटल ह्यूमिलिटी एंड कॉन्स्टेंट सरेंडर लाइज द सीक्रेट ऑफ द सुप्रमेंटल योगा जय माँ